हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी की लच्छादार बाटी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए एक प्लेट। अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी आटा। आप आटा अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें ले सकते हैं। 1 कटोरी डालेंगे इसमें मक्के का आटा, 1/2 कटोरी सूजी। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे जिससे इसका स्वाद अच्छा आएगा। हल्दी, सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच इसमें मोइन के लिए तेल डालते हैं। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इसमें मोटा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे मोटा धनिया नहीं खाते हैं तो मैंने इसको स्किप किया है। अब इसमें डालते हैं 1/2 कटोरी दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब डालते हैं इसमें 1 कटोरी हरी मेथी, थोड़ा सा इसमें डालते हैं हरा धनिया। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो तैयार कर लेते हैं। आटे को हम जितना टाइट लगाएंगे उतनी ही हमारी बाटियाँ अच्छी बनेगी। तो हमें यहाँ पे टाइट आटा ही लगाना है। तो इसको अच्छे से मसल मसल के आटा का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। अब इसको 5-6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि हमारी सूजी फूल जाए। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी गोल लोई बना लेते हैं और एक रोटी बेल लेते हैं। रोटी हमें ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, बारीक ही बेलनी है। तो इस तरह से हमें बेलना है। तो अब यहाँ रोटी बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। चारों तरफ हम अच्छे से तेल लगा लेते हैं। अब हम इसको चाकू की सहायता से लंबी लंबी पट्टियों में काट लेंगे। इस तरह से सारी रोटी को हमें इसी तरह से काटना है। अब हम साइड वाली पट्टी को उठाएंगे, इसे गोल घुमा के मोड़ते जाएंगे। फिर इस दूसरी साइड की को भी ऐसे उठा के मोड़ते जाएंगे। इस तरह से हमें सारी पट्टियों को उठा के गोल गोल घुमा के उठाना है। इस तरह से अब इसके नीचे वाले भाग को थोड़ा दबा देते हैं, नहीं तो हमारी बाटी खुल जाएगी। तो लीजिए, ये हमारी लच्छा बाटी तैयार है। इसी तरह हम यहाँ पे सारी बाटियों को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बाटियाँ बना ली है। अब चलते हैं इनको सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाटी कुकर को पहले ही गर्म कर लिया था। इसमें सारी बाटियों को डाल दूँगी। आप इन्हें धीमी आंच पे ही सेकें, नहीं तो बाटियाँ ऊपर से तो सिक जाएगी और नीचे से कच्ची रह जाएगी। तो हमें इसे दोनों तरफ से पलट कर सेक लेना है। तो यहाँ पे हमारी बाटियाँ सिक चुकी है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी बाटियाँ निकाल ली है। अब इनको घी में डुबकी लगवा देते हैं। इसी तरह सारी बाटियों को घी में डुबकी लगवानी है। तो लीजिए, यहाँ पे हमने सारी बाटियों के घी लगा लिया है। अब आपको मैं ये बाटी उठा के दिखा दूँ। देखिए, आप जैसे ही इसको दबाएंगे सारे लच्छे इसके खुल चुके हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट ली है मैंने। अब इसमें बाटियों को तोड़ेंगे। देखिए, ये कितनी आसानी से टूट रही है। आप इन बाटियों को बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब इसके ऊपर डालते हैं हम दाल। तो यहाँ पे बहुत सारी दाल डाल दी है हमने। अब इसके ऊपर डालते हैं प्याज। अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।